अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कैलोरिक थ्योरी के बारे में। फिज़िक्स इंटर का ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है। आज हम फिज़िक्स इंटर स्टार्ट करने लगे हैं, इसका पहले हम ओल्ड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि हीट के बारे में ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था, उसके बाद हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन और न्यू जो कॉन्सेप्ट जो आजकल जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पास फिज़िक्स इंटर का टॉपिक है, वो आज हम शुरू करने लगे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें, और इसके अलावा मेरा एक ग्रुप है फेसबुक पे जिसका नाम है फ्री ऑनलाइन कोचिंग। अगर आप लोग वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या तो लिख दें ताकि मैं आप लोगों को वो लिंक सेंड कर दूं, और अगर आप लोग जो है ऐसे ही अगर आप फेसबुक पे लिखेंगे फ्री ऑनलाइन कोचिंग तो वैसे भी आ जाएगा, तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको अगर कोई भी MCQs में कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी समझ ना आ रहा हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो फिर आप लोग वो हासिल कर सकते हैं उस ग्रुप के ज़रिए। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हीट क्या था, पहले जो थी हीट के जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास एक कैलोरिक थ्योरी थी जिसके हिसाब से कहा जाता था कि हीट जो है वो एक वेटलेस सब्सटेंस है, इनविजिबल है और एक फ्लूइड टाइप ऑफ सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होता है हर बॉडी के मटेरियल में। मतलब हीट क्या है ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से, एक वेटलेस जिसका कोई भी वेट नहीं है, जिसकी कोई भी मास नहीं है, ऐसा सब्सटेंस वो इनविजिबल है, किसी को दिखाई नहीं देता, वो है कैसा फ्लूइड जैसा है बिल्कुल, और वो क्या है हर मटेरियल में, हर बॉडी के मटेरियल में मौजूद होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इट कैन एक्सप्लेन हीट ट्रांसफरेंस, और ये जो कैलोरिक थ्योरी है ये हमें ये डिफाइन कर रही थी हीट ट्रांसफरेंस मीन्स कि हीट ट्रांसफ़र होती है, इनका ये कहना था। और ये भी कहना था कि हॉट बॉडी कंटेन मोर कैलोरिक, मतलब जो हॉट बॉडी होती है उसके पास ज़्यादा कैलोरिक होती है बमुकाबले ठंडी बॉडी के, उसमें ज़्यादा कैलोरिक होती है तभी हम कहते हैं कि वो हॉट बॉडी है। उसके बाद एक और इसके बाद साइंटिस्ट आए जिनका नाम था काउंट रूमफोर्ड, ठीक है, इनका नाम कुछ बंजुमन टाइप था, एक्चुअली मैं भूल गई हूँ एग्जैक्ट उनका नेम क्या था, हमारी बुक में भी इनका नाम जस्ट काउंट रूमफोर्ड ही लिखा हुआ है, बस इन्होंने रिजेक्ट की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी थ्योरी दी कि अकॉर्डिंग टू काउंट रूमफोर्ड हीट इज़ नॉट अ फ्लूइड टाइप ऑफ सब्सटेंस, इन्होंने कहा कि हीट कोई फ्लूइड टाइप का सब्सटेंस नहीं है, ये जो है फ्रिक्शन के जरिए जो है प्रोड्यूस होता है। अब फ्रिक्शन क्या है, जब आप अपने हाथों को जब गर्मी हो रही सर्दी हो रही होती है तो आप जो है रगड़ते हैं अपने हाथों को, ठीक है, जब आप अपने हाथों को रगड़ते हैं तो क्या होता है आपको अपने हाथ गर्म महसूस होते हैं, तो किसकी वजह से होते हैं फ्रिक्शन की वजह से होते हैं। उन्होंने कहा कि ये ऐसा सीन है कि ये जो है कोई फ्लूइड नहीं है, ये एक फ्रिक्शन है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने एक मॉडर्न डेफिनेशन दी जो कि ये थी कि हीट जो है हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उन्होंने कहा कि हीट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है, और जो कि प्रोड्यूस होती है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, मतलब अगर कोई चीज़ ठंडी है और एक चीज़ गर्म है अगर दोनों में डिफरेंस होगा तो ही वो प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज़ वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। अगर मेरे पास दो जो हैं वो कंटेनर हैं दोनों का टेम्परेचर सेम है तो कहीं हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। एक मेरे पास मतलब बॉडी टेम्परेचर किसी का है वो मतलब कुछ भी है वो समथिंग कुछ भी है बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, और उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें भी जो टेम्परेचर है वो भी सेम है तो ना वो बंदा हीट रिलीज़ करेगा ना वो हीट गेन करेगा। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई मतलब कोई ग्लास है उसके अंदर पानी है, ठीक है, उसके अंदर कोई पानी है तो गर्म पानी है, ठीक है, उसमें अंदर मैंने उसी टेम्परेचर का दूसरा पानी में मिक्स किया तो वो क्या गेन करेगा या लॉस करेगा, कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है। अगर मैं ठंडा पानी मिक्स कर देती और वो गर्म होता तो क्या होता, उसका टेम्परेचर भी हाई हो जाता, उसका टेम्परेचर मतलब थोड़ा सा लो हो जाता और जो उसमें जो मैंने डाला उसका थोड़ा हाई हो जाता। इस तरह से कह रहा है कि हीट जो है वो एनर्जी की फॉर्म है जो कि अगर टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो प्रोड्यूस होगी और वो हॉट बॉडी से लेके कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। हीट के ट्रांसफ़र होने के तीन मूड्स हैं,
एक मोड है हमारे पास कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है हमारे पास रेडिएशन. ये तीनों बहुत अहम हैं और इनका बहुत डिटेल टॉपिक है जो कि इस वीडियो में अगर मैंने कंटिन्यू किया तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी. इसलिए हम क्या करते हैं, एक और न्यू वीडियो बनाते हैं, उसमें हम इन तीनों को कि हीट किन किन मोड्स के ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इन तीनों को हम उस पूरी वीडियो में पढ़ते हैं ताकि हम अच्छे से डिस्कस कर सकें. अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.